चिकन की जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते थे कि कोई नई लोकेशन लेके आए, तो आज हम आपको ले आए हैं कहाँ, एक बहुत ही ऑथेंटिक जगह पे, नाम आपको आगे पता चल गया होगा, अलूदा फूड सेंटर, लोकेशन परेड चौराहे से जब आप नवीन मार्केट की ओर बढ़ेंगे तो हमारी आज की लोकेशन है। बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जस्ट अपोजिट टू क्रिस्टल पार्किंग है, जो कि जो पार्किंग बनी है परेड में, तो चलने से पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटे वाला बेल आइकन दबा दो। हाँ, ये 100 ग्राम कबाब है। हाँ, ये हाफ प्लेट 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ के 100 ग्राम। हाँ, इसके और ये 15 रुपीज़ का एक पराठा है, बाकी करीब 100 ग्राम का एक पराठा होता है। 100 ग्राम का एक पराठा, हाँ। और उसके साथ ये 150 ग्राम चॉप है, मटन चॉप, इसका प्राइस है 135। आप देख सकते हैं जो खुशबू है काफ़ी अच्छी है, काश ऐसा सेंसर होता कि आपको हम सुना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये हाफ प्लेट बिरयानी है, ये करीब अराउंड 300 ग्राम्स होती है, 85 रुपीज़ की। ये इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये ऑरेंज जो कलर है चावल, ये सब जो है ये केसर का है। ये हाफ मलाई टिक्का है 95 रुपीज़ का। और ये 150 ग्राम फिश है 90 रुपीज़ की, विदाउट स्किन, विदाउट बोन, विदाउट फैट, बोनलेस फिश। रेट आपको पता चलिए, टेस्ट के हिसाब से इसको। तो स्टार्ट करते हैं, प्राइसिंग भैया ने आपको बताई दी, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले जो इनका मलाई टिक्का है, देख सकते हैं चिकन मलाई टिक्का है, और काफ़ी छोटे और बढ़िया पीसेज हैं, तो ये इसको टेस्ट करते हैं। प्रॉपरली चॉप हुआ हुआ है, ना ज़्यादा बड़ा पीस है ना छोटा छोटा, मीडियम पीस है। फुली रोस्टेड है और जो टेस्ट है काफ़ी क्रीमी है, और जो मसाले हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो तेज़ हो, तीखा हो, क्रीमी, और जैसे मलाई टिक्का होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वैसा है। एक बाइट हम और लेंगे, अभी तक का बेस्ट मलाई टिक्का है ये, आप आओ आके ट्राई करो। बाकी वीडियो में आपको नीचे मेन्यू का पूरे रेट मिल जाएगा। अब ट्राई करते हैं हम जो इनका कबाब है, जो सबसे फेमस है यहाँ का। ये मटन कीमा होता है एक तरीके का, और साथ में परांठा। इसकी कहानी आपको पता ही है, 1 रुपये के 15 रुपये का एक, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना। और जो इनकी रेसिपी है इतने सालों से चली आ रही है, 60+ साल हो चुके हैं। लेते हैं पहली बाइट, जो एसेंस है और जो मसालों का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया है। खड़े मसालों का जो टेस्ट है बहुत ही एक यूनिक और ऑथेंटिक टेस्ट दे रहा है। साथ में जो प्याज के साथ एक और बाइट लेंगे हम, मन तो कर रहा है बस खाते रहो, रिव्यू करने की तो बात ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, जिसके कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये इनकी फिश ट्राई करते हैं, बोनलेस है, विदाउट स्किन है, तो जिम फ्रीक्स भी आके ट्राई कर सकते हैं। साथ में हरी चटनी, हेलो भाई।
काफ़ी जूसी है, सॉफ्ट है और बहुत ही कम ऐसी फिश खाने को मिलती है। फ्राइड है और अब जो है इनका मटन चॉप, तो वो ट्राई करते हैं। ये चापे होती हैं, मटन लवर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, मतलब आप ये कह सकते हो उनकी प्रीमियम चॉइस ही यही रहती है। साथ में इसकी ग्रेवी है, बढ़ते हैं इसकी एक और बाइट हम आपके परांठे के साथ। बहुत ही बढ़िया, और जो परांठे की थिकनेस है और जो क्वालिटी हम आपको पहले दिखाते हैं, साइज़ तो आपने देखा कितना बड़ा परांठा है, ये देखिए क्वालिटी और लेयर्स कितनी बढ़िया है इसकी, बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रही है साथ में। ये देखिए ये है मटन, कलर देखिए मटन का कितना प्रॉपरली कुक्ड है, और रेशे देखिए। देते हैं एक और बाइट, जस्ट टू यम्मी है, टू यम्मी, वाकई में जो ऑथेंटिक टेस्ट है और जो ऑथेंटिसिटी है वो टेस्ट में झलक रही है। जो मसाले जैसे उन्होंने बताया जो डलते हैं, एसेंस बहुत ही बढ़िया है, कहने की बात ही नहीं है। और जो लेते हैं हम अपनी आइटम, जो बिरयानी है, देखिए ख़ास बात देखिए ये कोई भी कलर नहीं है इसमें, ये केसर के चावल का रंग है। लेते हैं आप लेते चावल, जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल क्वांटिटी से कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी हमने ट्राई करी है, हमारे लिए खाना भी पॉसिबल नहीं है। आप आओ, आप आके ट्राई कर सकते हो। लेते हैं इसकी बाइट, पहले हम लेंगे चावल की बाइट खाली। बहुत ही लाइट चावल है, बहुत ही बढ़िया, एसेंस अगेन बहुत ही बढ़िया। अब है चिकन, प्रॉपरली कुक्ड है, आप देख सकते हो हड्डी से अपने आप ही अलग हो रहा है। ये देखिए, देखिए कितना प्रॉपरली कुक्ड है, ये हाथ मारा और ये हड्डी से बाहर। लेते एक और बाइट, साथ में रायता, रायते के साथ लेंगे। ये कही एक रायता और एक चटनी, बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल रेटिंग 10 out of 10, और आप आके टेस्ट कर ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। आ जाओ, देर किस बात की है।